कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर अपना भेजा, ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों के बस की बात नहीं है। चतुर सिंह, ऊपर वाले के हाथ से तू बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। तू भौंकता बहुत है आराम के, और भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे, हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहां जाते हैं। अरे जितनी मन्नतें मांगनी आए आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। जलती हुई आग में हाथ डाला है, हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे चाहने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रलयनाथ। आज से तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। अबे चुप, एक लफ्ज भी आगे बोला तो भून के रख दूंगा। तू मारेगा मुझे, चल चला। अब क्या सोच रहा है? चला गोली, अपनी मां का दूध पिया है तो चला गोली। इस बदन को छूने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, तेरे जैसा बुजदिल और नामर्द मुझ पे क्या गोली चलाएगा? चला। पुलिस अफसर पर गोली चलाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूं। प्रलयनाथ जरा भी हिले तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। अगले मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर आप चाहते क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती रहे और हम चुपचाप देखते रहें? पहले डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई, फिर अली मारा गया, आज इस प्रलयनाथ के पिल्ले ने मुझ पर गोली चलाई। ये देखिए, अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम जुड़ जाता। लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था। इसके खिलाफ सारे सबूत मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। सवाल था उंगलियों के निशान का जो इस रिवॉल्वर पर मौजूद है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, अनीता चौधरी का कातिल और राधा टंडेल से शरीर संबंध रखने वाला यही है रसिकनाथ। डीआईजी के बेटे संजय को फंसाया है क्योंकि वो अपने बाप के कातिल का चश्मदीद गवाह है। अरे चुपकार चुपकार, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है लगे फैलाने, मुंह दिया है लगे गिड़गिड़ाने। बचाओ बचाओ, कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली बाइक? एक औरत को धंधे पर बिठाना चाहते हो तुम? तूने मुझे मुझे बेचना चाहती थी। अरे मुझे छोड़ दो, बहुत मारा तूने मुझे, कल से पानी भरे तो ही जाएगी। मैं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ छोड़ोगे? बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब ये भाषण बंद कर दीजिए
कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जमीन का घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। बागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। बागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे, ठीक ही तो कह रहा है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है, इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है, बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूँ, निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे वरना एक एक गले चीर देता मैं। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? उन्हें जो अपना नाम नहीं बता सकते, उनको अपने माँ के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने किस्माई, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर असलियत जानना चाहता है ना, इधर कौन है? कल्याण जी भाई हिंदू है। ये कौन है? गंगा भाभी। तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। ये हिंदू थे, इनको काय को नहीं काटा? इधर असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता साले, बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा, किसने किसको जलाया? सारा कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में, गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था। अल्लाहुम्मा सल्ले आला सैयदना मौलाना मोहम्मदी व आला आले सैयदना मौलाना मोहम्मदी व बारिक व सलीम, ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। प्रताप मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था। प्रताप मुझे माफ कर दो। वाह, हमदर्दी जता रहे साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो गुल खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग आई है। कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ए नो चल बे। अरे न चल बे की औलाद। अरे देशभक्त, अरे पब्लिक भोर क्या है, भागो इधर से। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले, इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे,
और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो? ये तो अभी तक सुना नहीं कभी। सही कह रहा है ये बात है, पिछला दिन गड़बड़ जरूर है। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े कीड़े रेंगते रहो, रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशे, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था? भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला, चल चल।